हिमाचल प्रदेश में हुए पीपीई किट खरीद घोटाले की आंच बीजेपी तक पहुंच गई है। राज्य के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। घोटाले से जुड़ी अधिकारी की कथित ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जिस वायरल ऑडियो क्लिप के आधार पर स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी हुई है, उसमें रुपयों के लेन देन की बात की जा रही है। आप भी सुनिए ये ऑडियो क्लिप। और आपको भी परेशान कर रहा है। जीरो टॉलरेंस बिल्कुल मतलब ही नहीं है। मैं अभी बैंक मैनेजर को बोल दिया है जी डॉक्टर, ढाई बजे आ जा, ढाई बजे आ जा। हाँ जी, बैंक ऑफ बड़ौदा बंद बोल दिया गया। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, तो निकल रहा हूँ। निकलो गाँव में कुछ सामान आपका जी। हाँ सामान ठीक है, ले आओ। कितना ले? सर आपने 5 लाख बोला था जनाब। तो ठीक है, ठीक है, 5 लाख ले लो। ठीक है। 43 सेकंड का यह ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। इस ऑडियो क्लिप में वह किसी व्यक्ति से कथित तौर पर 5 लाख रुपए घूस के लिए कह रहे हैं। हाँ सामान ठीक है, ले आओ। कितना ले? सर आपने 5 लाख बोला था जनाब। तो ठीक है, ठीक है, 5 लाख ले लो। ठीक है, ठीक है, ओके। वायरल ऑडियो के मामले में स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही बिंदल को विधानसभा के अध्यक्ष पद से हटाकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने पूर्व निदेशक को 5 लाख रिश्वत की पेशकश की थी, वो भाजपा नेता की बेटी की फर्म में मार्केटिंग मैनेजर है। वह सिरमौर के रेणुका विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है। नेता की बेटी की फर्म सोलन में है। हिमाचल प्रदेश में हुए कथित पीपीई किट घोटाले मामले में अब कुमार विश्वास ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। कवि कुमार विश्वास ने ट्विटर के माध्यम से निशाना साधते हुए कहा कि पीपीई किट तक को नहीं छोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए एक शेर भी साझा किया। उन्होंने लिखा कि ये दीन के ताजीर, ये वतन बेचने वाले, इंसान की लाशों के कफन बेचने वाले, ये महलों में बैठे हुए कातिल, ये लुटेरे, कांटों के अवैज रू चमन बेचने वाले, तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष राजीव जिंदल ने अपनी नियुक्ति के 4.5 महीने के भीतर ही बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।